हरी सिंह नलवा सिख इतिहास में नाम बाइज्जत सत्कार सहित सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। कहीं इन्हें द स्वॉर्ड ऑफ खालसा राज तो कहीं चैंपियन ऑफ खालसा के खिताब से सम्मानित किया गया। अपने 46 साल के जीवन काल में इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन अफगान्स के खिलाफ हासिल की गई जीत ने इनके नाम को इतिहास में एक अलग मुकाम दिया। ये जीत इतनी अहम क्यों थी, इसे जानने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और इसके बाद जानेंगे हरी सिंह नलवा की लार्जर देन लाइफ स्टोरी। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर जब भी किसी देश पर आक्रमण करते थे तो उस देश की सीमा पर खड़े होकर अपनी मां को एक खत लिखा करते थे। यह भी माना जाता है कि इससे पहले वो खत उनकी मां तक पहुंचता वो उस देश पर फतेह पा लेते। लेकिन जब अलेक्जेंडर अफगानिस्तान की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें कई महीनों तक वहां मुशक्कत करनी पड़ी और इस बार अलेक्जेंडर की मां ने उन्हें खत लिखते हुए पूछा कि आखिर अफगानिस्तान फतेह में इतना समय क्यों लग रहा है। जवाब में अलेक्जेंडर ने अफगान की थोड़ी सी मिट्टी उन्हें भेजी और उसे अपने महल में चारों ओर छिड़काने को कहा। अलेक्जेंडर की मां ने उस मिट्टी को अपने महल में चारों ओर थोड़ा थोड़ा डलवा दिया और उसी रात अलेक्जेंडर की मां के महल की रक्षा करने वाले कई सालों से वफादार सैनिकों ने बिना किसी वजह से विद्रोह कर दिया और आपस में ही लड़मर गए। ऐसा माना जाता है अफगान की मिट्टी में ही वैशीपन और बगावत बसी हुई थी। यही कारण है कि पिछले कई दशकों से ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज तक कोई भी अफगान्स पर काबू नहीं पा सका। लेकिन ये इतिहास में दर्ज है कि हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के कई इलाकों पर कब्जा किया और बकायदा वहाँ उनके जनता दरबार लगा करते थे। खैबर इलाके में मौजूद उनके द्वारा बनाए गए कई किले इस बात का जीता जागता सबूत भी है। इंटरनेट पर इस कहानी के कई वर्जन अवेलेबल हैं। ये भी मुमकिन है कि ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक हो, लेकिन अगर इतिहासकारों की माने तो अफगान्स और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो इतिहास है वो ऐसे ही सिरफरे और वैशी लड़ाकों से भरा पड़ा है। ये वही इलाका है जिसे हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाला के बाद 800 सालों तक कोई भी हिंदुस्तानी शासक जीत नहीं पाया था। दरअसल सन 1001 में पेशावर की जंग में गजनी के महमूद ने राजा जयपाला को हराकर खैबर जीत लिया था या कहीं छीन लिया था और अगले 800 सालों तक हिंदुस्तान पर हर बड़ा हमला इसी दरियाए खैबर के रास्ते हुआ। सन 1001 में गजनी, सन 1206 में ममलूक, सन 1290 में खिलजी, सन 1320 में तुगलक, सन 1414 में सैयद, सन 1451 में लोदी और फिर मुगल्स सब दरियाए खैबर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए। मुगल राज खत्म होने के बाद खैबर पर दुर्रानी अफगानों ने लगभग 75 साल तक राज किया और वो भी दरियाए खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में लूटपाट मचाते रहे। सन 1820 के आसपास शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में सरदार हरी सिंह नलवा ने दुर्रानी अफगानों के साथ कई जंगें लड़ी और धीरे धीरे खैबर के कई इलाकों को सिख सल्तनत में शामिल किया। इसमें पेशावर, अटक और जमरौद की जीत ने हमारी 800 साल की गुलामी और लूटपाट का जरिया बनने वाले खैबर पास को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि इसके बाद दरियाए खैबर से हिंदुस्तान पर कभी भी कोई हमला नहीं हुआ। आपने शोले फिल्म का वो मशहूर डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, 50-50 कोस दूर भी जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। दरअसल असल जिंदगी में एक फ्रेंच लेखक और हिस्टोरियन लिखते हैं, हरी सिंह नलवा की शहादत के 40 साल बाद भी अफगान की औरतें अपने बच्चों को डराने के लिए उनका नाम लिया करती थी। इतिहास बयान करता है कि कैसे 25-25 हज़ार की दुर्रानी अफगानों की फौज इस अकेले सिख जनरल के नाम से थर थर कांपा करती थी। इसे और तफसील से समझने के लिए श्री बड़ू साहिब की वेबसाइट पर पब्लिश्ड एक आर्टिकल व्हेन एन आर्मी ऑफ 25,000 फियर्ड वन सिख जरूर पढ़ें। हरी सिंह नलवा जी का जन्म सन 1791 में गुजरावाला में हुआ था। महज 7 साल की उम्र में उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी का देहांत हो गया। 7 साल से 14 साल की उम्र में हरी सिंह जी ने शस्त्र कला के साथ साथ गुरुमुखी, फारसी और पश्तो की भी शिक्षा प्राप्त की। उस समय महाराजा रंजीत सिंह बैसाखी के मौके पर एक खास किस्म का दरबार सजाया करते थे जिसमें पंजाब के कोने कोने से नौजवान आकर
अपने शस्त्र कला का प्रदर्शन करते थे। महज 14 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने भी इस मेले में हिस्सा लिया और उनकी शैली या कहें शस्त्र कला में उनकी निपुणता को देखते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपने निजी अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे पहले हरि सिंह जी के दादाजी सरदार हरदत्त सिंह जी, उनके पिता सरदार गुरदयाल सिंह जी ने भी महाराजा रणजीत सिंह के पिता सरदार महा सिंह जी के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया। 15.5 साल की उम्र में हरि सिंह जी ने अपनी पहली जंग लड़ी और कसूर पर फतेह पाकर उसे सिख सल्तनत में शामिल किया। ये जीत महाराजा रणजीत सिंह जी के लिए और साथ ही साथ सिख साम्राज्य के लिए बहुत अहम थी। हरि सिंह जी की बहादुरी से खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें एक निजी फौज का फौजदार घोषित किया और साथ ही साथ सरदार के खिताब से सम्मानित भी किया। ऐसे ही हरि सिंह जी को नलवा खिताब से सम्मानित करने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह अपने कुछ निजी अंगरक्षकों के साथ शिकार पर गए। उस समय हरि सिंह जी भी उनके साथ थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बाघ ने हरि सिंह जी पर हमला कर दिया जिसमें उनके घोड़े की भी मौत हो गई, लेकिन इतिहास में दर्ज है हरि सिंह जी ने अपने हाथों से उस बाघ का जबड़ा फाड़ दिया था और इस बहादुरी से खुश होकर ही महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें नलवा यानी बाघ के पंजे जैसा के खिताब से नवाजा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरि सिंह जी को नलवे का खिताब महाभारत के राजा नल के नाम पर दिया, जिन्होंने हरि सिंह जी की ही तरह छोटी सी उम्र में एक बाघ को मारा था। राजा नल की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में सुनाई जाती हैं। सरदार हरि सिंह नलवा जी ने सिख सल्तनत के लिए 25 से भी ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें अटक, मुल्तान, पेशावर और जमरूद की फतेह ने खैबर पास को विदेशी लुटेरों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये हरि सिंह नलवा जी की ही देन है कि ये सारे हिस्से बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बने और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही हरि सिंह नलवा जी को भुला चुके हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने पोते सरदार कंवर नौनिहाल सिंह जी को युद्ध नीति व शस्त्र विद्या सिखाने का जिम्मा भी हरि सिंह नलवा जी को ही सौंपा था। इतिहासकार लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की इन जंगों में हरि सिंह नलवा जी की अगुवाई में नौनिहाल सिंह जी ने भी बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन किया था। हरि सिंह नलवा जी ने अपने मिलिट्री करियर के दौरान वेस्टर्न फ्रंटियर के वॉइसरॉय और पेशावर, हजारा और कश्मीर के गवर्नर के रूप में भी सर्व किया था। कश्मीर की गवर्नेंस के दौरान पठानों द्वारा जबरन मुस्लिम बनाए गए पंडितों को अपने धर्म हिंदुज्म में वापसी का एक मौका मिला और इसी के तहत करीब 40,000 कश्मीरी पंडितों ने अपने धर्म में वापसी की। इसी दौरान कश्मीर में हरि सिंह नलवा जी के नाम पर सिक्के चलाए गए जो 19वीं सदी तक सर्कुलेशन में रहे और इन सिक्कों को हरि सिंह के नाम से भी जाना जाता था। अपने आखिरी समय में हरि सिंह नलवा जी ने खैबर पास की रक्षा करते हुए जमरूद की लड़ाई में शहादत दी। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके आखिरी आदेश के अनुसार उनकी मौत की खबर को लाहौर से सिख फौज के आने तक गुप्त रखा गया ताकि दोस्त मोहम्मद खान की सेना उनके डर से जमरूद के किले में ना घुसे। बाद में सिख फौज ने दोस्त मोहम्मद खान की सेना को हराकर जमरूद को फिर से हासिल किया। हरि सिंह नलवा जी के जीवन के और भी कई ऐसे किस्से हैं जो उनकी बहादुरी व नेक किरदार की गाथा सुनाते हैं। मिचने की बीबी हरशरण कौर का किस्सा, बीबी बानो का किस्सा, दोस्त मोहम्मद खान के खत का जवाब और जमरूद में हुई उनके जीवन की आखिरी जंग का किस्सा। ये किस्से कहानियां अपने आप में एक बेमिसाल दास्तां बयां करते हैं और इतिहास के सुनहरे पन्नों में भी दर्ज हैं। हरि सिंह नलवा जैसे एक बड़े किरदार को 10 से 12 मिनट की एक वीडियो में समेटना या बयान कर पाना बेहद मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि हरि सिंह नलवा जी की ज़िंदगी पर हम और रिसर्च करें और उनकी ज़िंदगी के और किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हरि सिंह नलवा जी की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आगे ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं IPS कोहली और आप देख रहे थे सड्डा हक़।